ये उनकी हार्दिक इच्छा थी और इस काम में वो आज सक्सेस भी हो गए हैं और लाखों हजारों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। जो बेचारे असहाय थे, चल नहीं पाते थे, या जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे जीवन में ये भी सुख मिलेगा, हमें शारीरिक सुख जो कष्ट है वो सुख में बदल जाएगा। श्री सीताराम जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, मेरे राम राजा सरकार प्रभु उनकी जय, जगत जननी जानकी माता की जय। मैं आज महाराष्ट्र के जंगल में हूँ अपनी पत्नी के साथ और मेरे मन में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में शारीरिक और मानसिक आर्थिक प्रॉब्लम्स ना हो, इन सब पे विचार करने पे जो निचोड़ निकलता है उस संबंध में मैं अलग अलग चर्चा करना चाहता हूँ। उसी चर्चा के क्रम में आज भगवान ने प्रेरणा दी मेरे को, तो कहावत भी है और नवदा भक्ति में भी बोला गया है कि प्रथम सुख निरोगी काया और दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख आज्ञाकारी पत्नी, ऐसे 9 प्रकार की भक्ति बताई गई हैं। इसी भक्ति के क्रम में प्रथम सूत्र जो है भक्ति का वो यही है कि व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होना चाहिए और स्वस्थ कैसे रहेगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को थोड़े थोड़े से अपने जीवन में बदलाव करने चाहिए। तो मुझे जो लगता है या जो मैंने अध्ययन किया है या जो मैंने अपनी लाइफ को अभी तक जिया है, उस लाइफ के हिसाब से सबसे प्रथम ये है कि व्यक्ति का सुबह का नियम बहुत पक्का होना चाहिए। सुबह का नियम इतना पक्का होना चाहिए कि वो सब काम एक तरफ रख दे और सुबह एकदम पाँच बजे जाग जाए और उसका इतना बड़ा पावर बन जाता है फिर वो, ऐसा अगर कोई 21 दिन लगातार करता रहता है तो उसके जीवन में वो नियम आता चला जाता है और जब नियम आता चला जाता है तो फिर कुछ भी आप लेट भी सोएंगे, कभी अगर कोई कार्य से लौट के आए या किसी कार्यक्रम से लौट के आते हैं तब भी आपको वो सुबह 5 बजे जगने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और अगर 5 बजे जगना शुरू कर देते हो तो ये जो ब्रह्मांड है ना ये काम करना शुरू कर देता आपके ऊपर और आपका शरीर धीरे धीरे पुष्ट स्वस्थ और आर्थिक स्थिति मजबूत और घर में सुख सुविधाएं संपन्नता बढ़ने लगती। और उसी के साथ अगर व्यक्ति जीवन में हमारे आदरणीय और माननीय सम्माननीय संत रामदेव जी, महंत रामदेव जी ने अपना जीवन आप सोचिए केवल और केवल योगा में लगा दिया और उस योगा का प्रभाव क्या हुआ वो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आप देखिए कि बेचारे छोटी सी उम्र में घर में ऐसे कुछ विवाद हुआ हो या ना हुआ हो या मन में भगवान ने प्रेरणा दी हो और घर से निकले, निकलने के बाद अपने जीवन को सन्यासी जीवन साधु जीवन में परिवर्तित किया, आंख से या शरीर से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स थी, छोटे से विकलांग भी थे, देखने में प्रॉब्लम होती थी, उन सब चीज़ों को सुधारने के लिए योगा के लिए योगा की किताबें या यूं कह लीजिए कि उस पे अध्ययन शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपने जीवन में उतारा। यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा है लेकिन इसके बाद जो उन्होंने किया है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर व्यक्ति वो चीज़ करने लगता है अपने जीवन में तो आप सोच लीजिए कि एकदम मिरेकल्स होने लगेंगे, परिवर्तन होने लगेंगे। अब जो रामदेव जी ने क्या किया है वो मैं थोड़ा सा लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे प्रथम उनने अपने आप पे योगा शुरू करना शुरू किया, अपने आप को मजबूत किया और मजबूत करने के बाद फिर लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट या यूं कह लीजिए माध्यम से टीवी टेलीविजन के माध्यम से जो जो साधन उनके सामने उपलब्ध रहे उन साधनों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। और इसका भाव सिर्फ उनका इतना था कि हम तो अगर सुधरे हैं तो लोगों को भी सुधार दें। वही काम उनने स्टार्ट किया, शुरू किया, पतंजलि नाम रखा
पतंजलि को भी कहीं ना कहीं योग से पहले रिलेटेड था, तो उसी से नाम उनने रिलेटेड नाम रख दिया। तो सोच बड़ी रखी कि हमें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, अधिक से अधिक लोगों को योगा से जोड़ना है, ये उनकी हार्दिक इच्छा थी। और इस काम में वो आज सक्सेस भी हो गए हैं और लाखों हजारों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। जो बेचारे असहाय थे, चल नहीं पाते थे, या जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे जीवन में ये भी सुख मिलेगा, हमें शारीरिक सुख जो कष्ट है वो सुख में बदल जाएगा, ये योगा से संभव हो सका। तो यहाँ मैं ये सब बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि देखिए, कोई व्यक्ति अगर अपने अंदर की चीज या अपने अंदर की कला या जो भी है वो दूसरों तक पहुँचाना शुरू कर दे, केवल जो भी उसने अपने जीवन में सीखा है वो दूसरों को फ्री में देना शुरू कर दे, और आप सोचिए कि ये ब्रह्मांड उसके लिए सारा काम करने लगता है, सब शक्तियां उसके इर्द गिर्द घूमने लगती और बदलाव आने लगते हैं। अब देखिए एक और यहीं से दूसरा पॉइंट, क्योंकि महान नायक हैं हमारे श्री रामदेव जी, बाबा रामदेव जी महान नायक हैं योगा के, और इस धरती में ऐसे कम लोग हैं। तो मेरा दूसरा कहना ये है कि अब उनने तो अपने जीवन को सिर्फ इसी काम में लगाया, दूसरा और कोई कार्य नहीं किया, लेकिन बदले में क्या क्या मिला ये आप सोचिए। पॉइंट हैं छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। बदले में क्या क्या मिला कि पूरी दुनिया में नाम हुआ, पर्सनालिटी उनकी आज वर्ल्ड लेवल की है, दुनिया में उन्हें नाम का मोहताज नहीं है वो। दूसरी चीज, अपने नाम एक भी रुपए अकाउंट में नहीं है, या उनके नाम कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें पैसा का कलेक्शन हो, संग्रह हो, जो भी पैसा है या जो भी संग्रह हुआ वो सब दूसरों के लिए और दूसरों के भलाई के लिए लगाया। और आज मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था उनका, तो उस इंटरव्यू में बोल रहे थे कि भाई देखिए, हमने तो अपना पूरा जीवन इस योगा के लिए, लोगों के लिए समर्पित किया, और उसके बदले में जो चीजें अगर मिली हैं तो वो उसी का प्रणाम है, उसी का प्रताप है, उसी का फल है। तो मेरा भी यहां यही कहना है कि व्यक्ति अपने जीवन को बदलने के लिए अगर अपने अंदर की चीजें लोगों तक पहुंचाने लगता है या पहुंचा देता है, तो आप सोचिए उसके जीवन में भी सारे बदलाव होंगे, और ऐसे बदलाव होंगे कि उसने कभी सोचा नहीं हो। इसलिए अधिक से अधिक जो ज्ञान आपके अंदर है, जो आपके अंदर कला है, जो आपके अंदर शिक्षा है, जो आपके अंदर एजुकेशन है, उसको पहुंचाने का प्रयास करिए, और प्रथम सूत्र को पहले अपनाइए। ये आज का प्रथम वीडियो है योगा से रिलेटेड, शारीरिक संबंध से रिलेटेड। ऐसे में रोज कुछ ना कुछ नए नए वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुँचाऊंगा। तो इस वीडियो का जो निचोड़ है, अंतिम सारांश है, वो यही है कि रामदेव बाबा ने अपने ऊपर पहले योगा का अनुसरण किया, टाइम से जागना शुरू किया। और मैं दूसरी बात बोलता हूँ, एक और चीज़ मेरे को याद आई है अभी बाबा रामदेव जी की, कि उन्होंने सन 2001 में मेरे उनके दर्शन हुए थे, मुझे मुलाकात हुई थी कुंभ में, और उस समय वो उस 2001 के 14 साल पहले से उनने अन्न खाना शुरू कर, मतलब अन्न को नहीं खाया है, यानी आटा वगैरह इस टाइप की चीज़ें सब छोड़ रखी, मोटे अनाज या इस टाइप के जो पावरफुल चीज़ें वही अपने जीवन में उतारा है और अन्न का त्याग किया हुआ है। और उसका बेनिफिट देखिए कि अभी बाबा रामदेव टीवी में या सब जगह सुबह सुबह आते हैं, आप लोग जुड़िए उनसे, और जो भी वो योगा सिखाते हैं 15 मिनट 20 मिनट अपने जीवन में उतारिएगा, उसका लाभ लीजिएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस व्यक्ति ने आज 23 और 14 लगभग 37 ईयर से अन्न नहीं पाया है और उनका हीमोग्लोबिन 70.4, 70.5, 70.3 ही रहता है, जबकि हम लोग रोज खाते हैं, रोज ढेर सारी चीजें खाते हैं और 13-14 पे अटके रहते हैं और उसी पर संघर्ष करते रहते हैं। और एक एज, मतलब ऐसे समझिए कि 35 साल के बाद तो ये सब चीजें करनी ही नहीं है, आपको कम से कम खाना है, योगा अधिक से अधिक करना है। ये जो योगा में क्रियाएं बताई गई हैं सुबह की, उन क्रियाओं को अगर आपने उतार लिया अपने जीवन में, तो
आपको ज्यादा चीजें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ा रहेगा और आप पावर में रहेंगे। हनुमान जी महाराज जी आपके ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखें। अगर ये मेरी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करें, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक पहुंचाएं और मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। बोल हनुमान जी महाराज की जय।